प्रियंका और शालीन ने मिलाया सुंबुल के खिलाफ हाथ। आइए जानते हैं कि प्रियंका और शालीन दोनों मिलकर सुंबुल के खिलाफ उन्होंने कैसे की है प्लानिंग प्लॉटिंग। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। कैप्टेंसी टास्क में आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि वो प्रियंका जो कि सुंबुल की काफी करीब और काफी सगी बनती है, वो अंकित जो कि उनके भाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही एंगल दिखा। गेम्स के दौरान दोनों के बीच कंपटीशन दिखी, जहाँ अंकित और सुंबुल में कैप्टन कौन बनेगा इसको लेकर जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे में यहाँ शालीन एड़ी चोटी का दम लगाते हुए नजर आए कि सुंबुल बिल्कुल भी कैप्टन ना बने। ऐसे में शालीन ने प्रियंका को अपनी तरफ कर लिया और प्रियंका को कन्विंस किया कि अंकित ही बनेंगे फिलहाल इस बार कैप्टन। ऐसे में प्रियंका तो काफी खुश हो गई, ऑफकोर्स अंकित कैप्टन बने इस नाम पर। और यहाँ शालीन ने पूरी तरीके से कन्विंस कर लिया कि आगे चलकर गेम्स में भी पूरी तरीके से शालीन प्रियंका और अंकित के सपोर्ट में रहेंगे, और प्रियंका इसे कन्विंस्ड हो गई। प्रियंका काफी खुश हुई और उन्होंने अंकित को बुलाया सीधे ग्राउंड पर और बोला, कम ऑन अंकित, लेट्स गो। ऐसे में प्रियंका ने जिस तरीके से अंकित को हौसला दिया ये काफी शानदार था और अंकित भी काफी खुश नजर आए। हालांकि अंकित ने ये जरूर क्लियर कर दिया कि उन्हें इस गेम से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को प्रूव करना चाहते हैं कि वो दगेबाजी या धोखेबाजी से गेम नहीं जीतते, बल्कि विथ फुल लॉयल्टी के साथ ही गेम में आगे बढ़ते हैं और जीतते भी हैं। ऐसे में अंकित स्टार्टिंग से ही काफी शांत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड देन वो बोलते हैं, और इस बार तो अंकित को फाइनली मिल गया है मौका। ऐसे में प्रियंका और शालीन ने मिलकर किया अंकित को सपोर्ट और सुंबुल के खिलाफ कर दी प्लानिंग, यानी कि सुंबुल को कैप्टन ना बनने देने की प्लानिंग की और सुंबुल नहीं बन पाई कैप्टन, जिसके बाद अंकित बन गए कैप्टन। हालांकि प्रियंका काफी खुश थी अंकित के कैप्टन बनने पर, और अब पूरी तरीके से अंकित को मिल चुका है पावर्स, इससे प्रियंका को काफी खुशी हो रही है। ऐसे में प्रियंका और शालीन जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया अंकित को कैप्टन बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सभी हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।